सोलन अस्पताल में मानक पूरे न होने की वजह से डीएनबी के तहत एमडी के समक्ष कोर्स करने वाले चिकित्सकों का भविष्य अधर में लटक गया है, क्योंकि प्रशिक्षु चिकित्सकों को शिक्षा दे रहे चिकित्सक यहां से ट्रांसफर हो गए हैं और नए चिकित्सक को नियुक्त नहीं किया गया है। यही कारण है कि प्रशिक्षु चिकित्सकों की शिक्षा बीच में अधूरी रह गई है। ये चिकित्सक जहां एक और अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को पूरा करते थे और रोगियों का उचित इलाज भी करते थे, लेकिन अब ये चिकित्सक अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने गुहार लगाई है कि प्रदेश सरकार जल्द चिकित्सकों की नियुक्ति करे ताकि उनके भविष्य से खिलवाड़ ना हो। रोष प्रकट करते हुए डीएनबी से एमडी समक्ष कोर्स कर रहे सोलन में तैनात राकेश कुमार चिकित्सक ने कहा कि सोलन अस्पताल में दो, जिला मंडी में चार चिकित्सक अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं और कोर्स भी कर रहे हैं, लेकिन अब वरिष्ठ चिकित्सक ना होने की वजह से वे अपना कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से डीएनबी को जो मानक चाहिए वे प्रदेश सरकार नहीं दे पा रही है। यही वजह है कि डीएनबी और चिकित्सकों को उच्च शिक्षा के लिए हिमाचल नहीं भेज रही है, जिसका असर उन पर तो हो ही रहा है, साथ में इलाज करवाने वाले रोगियों पर भी इसका निकट भविष्य में दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। जो चिकित्सक उच्च शिक्षा के लिए यहाँ आए थे उनके मानक पूरे नहीं हो रहे, इसलिए वे अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे और ना ही और चिकित्सक यहाँ आएंगे। इसलिए उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि वे चिकित्सक जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं। आपको बता दें कि डीएनबी से छह चिकित्सक पहले ही मंडी, टांडा और सोलन में सेवाएं दे रहे हैं। हर वर्ष इनमें छह चिकित्सक डीएनबी के माध्यम से प्रदेश को मिलते हैं, जो अपनी उच्च शिक्षा करने प्रदेश में आएंगे, लेकिन अगर डीएनबी के मानक ही पूरे नहीं होंगे तो शिक्षा ग्रहण करने आए चिकित्सकों को केवल सरकार स्टाइफंड उपलब्ध करवाती है, जो चिकित्सकों की कमी को पूरा करते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, तो निकट भविष्य में फिर से चिकित्सकों की कमी से जूझना पड़ सकता है। सोलन में लगातार मौसम बदलता जा रहा है। सर्दियां खत्म हो चली हैं और गर्मियां आरंभ हो चुकी हैं। सर्दियों में इस बार बेहद बारिशें हुई हैं, जिसके चलते किसानों के चेहरे खिले हुए थे, लेकिन अब उन्हें ये चिंता सता रही है कि कहीं गर्मियों में पानी की कमी न हो जाए, क्योंकि अगर पानी की कमी होगी तो उनका असर खेती पर पड़ेगा और जो उम्मीद वे इस बार फसल से लगाए हुए हैं उस पर पानी फिर जाएगा। किसानों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मौसम अभी तक बेहद बढ़िया रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसा रहेगा इसको लेकर वे बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि बीते दिन में बारिश होने से खेतों में भारी नमी थी, लेकिन अब गर्मी बढ़ने के कारण ये चिंता सता रही है कि निकट भविष्य में पानी की कमी न हो जाए, अगर ऐसा होता है तो उसका गलत प्रभाव फसल पर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने प्रदेश सरकार से गुजारिश की है कि वे पानी के लिए उचित प्रबंध करवाए और किसी भी तरह पानी की कमी न आने दें। भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बिलासपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा के द्वारा घोषित चुनावी घोषणा पत्र को पुनः केंद्र में भाजपा को सत्ता में काबिज करवाने के प्रति रामबाण सिद्ध होगा। इस चुनावी घोषणा पत्र में किसान को बेरोजगार वर्ग सहित हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की जनता नरेंद्र मोदी के द्वारा आरंभ की गई जनहित की योजनाओं से लंबावित हुई है, जिस कारण उन्हें एनडीए केंद्र में सत्तासीन होगी। उन्होंने हमीरपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल ठाकुर को मजबूत उम्मीदवार, जबकि भाजपा के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को मजबूत बताया है।